बच्चों आज विज्ञान में हम पाठ 8 गति के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए किस तरीके से आंकिक प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमको दिया गया है, पहले इस क्वेश्चन में उसको नोट करेंगे। सबसे पहले दिया गया कि 5 सेकंड में उसकी गति यानी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, तो हमें उसका त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक वेग यानी पहले उसका वेग क्या था, बस का 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, और बाद में उसका हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रारंभिक वेग यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम, क्योंकि समय हमको सेकंड में दिया गया है, इसलिए इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्या तरीका होता है, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60 से सॉल्व करेंगे, तो 5/18 आएगा। यहाँ पे हमने पूरा करके दिखा दिया है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5/18 से गुणा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 200/9 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी प्रकार से अंतिम वेग को भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, समय दिया गया है 5 सेकंड। तो सारी वैल्यूज जो पहले वो नोट करेंगे, उसके बाद फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्वरण, त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन यानी कि पहले कितना वेग था और फिर कितना हो गया, तो वी माइनस यू, वी है हमारा 150/9 और यू है 200/9, वैल्यू पुट कर देंगे। और समय अंतराल कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, 5 सेकंड में परिवर्तन हुआ है। सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में आ जाएगा, 150 - 200 घटा देंगे, 150 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 50, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है, यानी कि मंदन उत्पन्न हो रहा है बस में, इसलिए त्वरण माइनस में आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो -1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये त्वरण का मात्रक है, ये लिखना जरूरी है। एक सवाल और देखिए इस तरीके से, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए स्टेशन से चलना यानी कि पहले वस्तु विरामावस्था में थी और फिर चलना स्टार्ट करती है, तो इसका प्रारंभिक वेग हम 0 लेंगे, यानी वस्तु रुकी हुई थी फिर चलना स्टार्ट किया इसने। अंतिम वेग इसका दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां भी उसी तरीके से हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। त्वरण ए निकालना है, समय टी बराबर 10 मिनट इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, त्वरण का सूत्र लगा देंगे, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वी माइनस यू, वी का मान है 100/9, यू 0 है यहाँ पे, और समय को हमने सेकंड में चेंज किया था 600। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 9×54, 54 से 1 को हम भाग करेंगे इस तरीके से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.018, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एक सवाल और है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर का एक चक्कर, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक है जिसपे वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और कितना उसका विस्थापन होगा। तो पहले तो इसका हम अध्ययन करेंगे, जो हमको ये वृत्तीय रास्ता दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है 200 मीटर, व्यास का मतलब एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से जो उसके सेंटर से होती हुई लाइन हम खींचते हैं और दूसरे तरफ उसको टच करता है, यानी कि सेंटर से पास होती हुई जो जीवा है वो उसका व्यास कहलाती है। तो व्यास यहाँ पे है ए बी, ये वैल्यू दिया गया है 200 मीटर, त्रिज्या व्यास का आधा होता है यानी 200/200 मीटर निकाल लिया। फिर कह रहा है एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड का समय लगता है, अब टोटल टाइम उसको कितना है गति का, 2 मिनट 20 सेकंड, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60
दो 120 और प्लस 20 140 सेकंड। तो टोटल चक्कर कितने उसने लगाए 140 सेकंड में, एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे, साढ़े तीन चक्कर, यानी तीन तो पूरे चक्कर लगा लिया और एक आधा चक्कर लगाया उसने। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में दूरी तय करेगा इस रास्ते की परिधि के बराबर, परिधि होती है 2πr। तो कुल दूरी कितनी उसने तय की एक चक्कर में 2πr, तो पूरी दूरी तय साढ़े तीन चक्कर लगाए तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया पाई, ये पाई का मान होता है 22/7, आर ऊपर निकाल चुके हैं 100, पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे 7×5 35.5 आएगा, 44, 22×2=44 और ये 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200, ये आ गई है कुल दूरी, इतनी दूरी उसने तय की साढ़े तीन चक्कर में। अब विस्थापन कितना हुआ, तीन चक्कर में तो जहां से चलेगा वहीं पे आ जाएगा, तो तीन चक्कर में तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट में आधा चक्कर उसने लगाया है ए से बी तक पहुंचने में, तो वहां उसका विस्थापन हुआ है उसके व्यास के बराबर। तो तीन चक्कर में शून्य है और आधे चक्कर का विस्थापन उसके व्यास के बराबर है, यानी वो आ जाएगा 200 मीटर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चालको 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखिए स्कूल जाता है तो उसकी एक चाल दी गई है, वापस आता तो दूसरी चाल है, दूरी सेम है क्योंकि घर से स्कूल जा रहा है, हमको बताना है उसकी औसत चाल कितनी पूरी यात्रा में रही। तो हम मान लेंगे उसके घर से स्कूल की दूरी डी किलोमीटर है, घर से स्कूल जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी तो डी है और चाल उसकी कितनी है जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो T1 बराबर डी बटे 20 ले लिया। फिर स्कूल से घर जाते समय उसको T2 समय लगता है माना, तो दूरी बटे चाल, चाल की 40 हो जाती है जब वापस जाता है। औसत चाल का जो सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी उसने तय की डी प्लस डी, डी जाने में और डी वापस आने में, समय कितना लगा जाने का समय प्लस आने का समय, वैल्यू पुट कर देंगे 2D और T1 और T2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया 40 आ गया नीचे, ऊपर 2D प्लस 3D, 40 ऊपर चला गया, सॉल्व कर दिया 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा।